सभी दोस्तों को जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं क्रिश्चियन मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाइयों के साथ डेयरी फार्म से जुड़ी एक और नई जानकारी की अपडेट शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी पशुपालक भाई जानते हैं भाई, जब भी कोई संस्थान को लेकर किसी भी प्रकार की अपडेट होती रहती तो बहुत सारे पशुपालक भाइयों को, चाहे ऑक्शन की हो या और जो है ट्रेनिंग की हो, तो पशुपालक भाइयों का इंतजार रहता है। वो चाहे NDRI संस्थान हो या लुआ संस्थान हो या HLDBO CIRB हो, किसी भी प्रकार की वहाँ की अपडेट हो तो आपको इंतजार रहता है कि भाई अब वहाँ पर नया क्या होने वाला। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक और जो है अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज की जो अपडेट है जी, वो है लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी लुआ। आप भी चाहते हैं एक चैंपियन काफ तैयार करना जो बने हर मेले की शाम, तो आज ही खिलाना शुरू करें काफ पावर। मन्नत डेयरी फार्मिंग वालों का काफ पावर, इसे अभी ऑर्डर करने के लिए चैनल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। हिसार के अंदर की अपडेट मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में भी आपको डेयरी फार्म से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि वहां पर भी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाए। अब बात करते हैं भाई, ये यूनिवर्सिटी जो लुआस यूनिवर्सिटी है, लुआस जो पशु जो यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, वहां की क्या अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहां पर 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक, यानी कि एक हफ्ता की डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग शुरू हो रही है। क्योंकि जो भी आपको डेयरी फार्मिंग में जो चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो आपको फीड को लेकर हो या डेयरी फार्मिंग में पशुओं के जो है किस प्रकार से हम अपने डेयरी फार्मिंग को मेंटेन करें, कैसे हम उनके लिए फीड तैयार करें, कैसे दाना चारा तैयार करें, कैसे हम उनसे जो है कम जो है लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाए, ये सारी चीजें वहां पर आपको सिखाई जाएंगी। तो वो हो रही है जी 14 तारीख से शुरू वो ट्रेनिंग, और 14 दिसंबर से शुरू हो रही है, 20 दिसंबर 2023 तक वो जो है साल का लास्ट महीना है वो चलेगी। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी जो ID है उनकी जो फोटो कॉपी, और फीस आपको वहां पर ही वो कटवानी पड़ेगी। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा, कल यानी कि 13 तारीख को, 13 दिसंबर 2023 को आपको लुआस के अंदर जो शिक्षा निदेशालय जो है वहां पर चले जाना है लुआस यूनिवर्सिटी में, और वहां पर 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक आप अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसके बाद ही आप ट्रेनिंग वहां पर कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग वहां पर आप करेंगे वो आपकी डेयरी फार्मिंग में आपको लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली है। और जो डेयरी फार्मिंग का वहां पर सर्टिफिकेट बनता है उसका एक और बेनिफिट आपको होता है, जब भी आप अपना कोई डेयरी जो है नई डेयरी खोलने के लिए अगर जो है गवर्नमेंट से लोन अप्रूव करवाना चाहते हैं तो वो भी आप उसे जो डेयरी फार्मिंग सर्टिफिकेट के जो है साथ में आपका लोन जो है जल्दी अप्रूव हो जाता है और अपना डेयरी फार्म की आप जो है स्टार्टिंग कर सकते हैं। खासकर उन भाइयों को बताना चाहूंगा जो कि भाई अनदर स्टेट से हमें देखते हैं, चाहे पंजाब हो गई, राजस्थान हो गई, MP हो गई, UP हो गई, जो भाई हरियाणा के अंदर किसी भी संस्थान से जो है आप डेयरी फार्मिंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उसी के संदर्भ में, उसी के रिगार्डिंग में मैंने एक ये जानकारी आपके साथ शेयर करी। एक दिन बाकी, कल का दिन शेष है, परसों से आपकी ट्रेनिंग वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इच्छुक भाई हैं, थोड़ी सी लेट मेरे को ये अपडेट मिली और लेट ही मैं आपके साथ एक ही दिन पहले शेयर कर रहा हूँ, तो आप कल को जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और परसों से आप अपनी डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपके डेयरी फार्मिंग के बहुत आगे तक वो चीज़ें जो वहाँ पर सिखाई जाएंगी, भाई हम घर पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके अपने डेयरी फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसा हमें चारा चाहिए होता है, कैसा हमें शेड चाहिए होता है, किस किस जो है टाइम पर हमें पशु को क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहती है, मौसम के अनुसार आपको सारी चीज़ें वहां पर बताई जाएंगी। वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी जानकारी हो जाएगी, तो वीडियो को शेयर करें और जो भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा ले। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग से जुड़ी आपके पास कोई भी जानकारी, हम चैनल के माध्यम से पशुपालक भाइयों के साथ उस चीज़ को अवश्य ही शेयर करें।